पांच चंदा बस ए दीजो अगले जन्म अगले आपके जेब झाड़ने से आपकी बेटी का बांझपन दूर तो नहीं हो जाएगा ना? अगर आप चाहते हैं आपका और हमारा रिश्ता यूं ही चलता रहे तो ओ के लिए आपको हमारी एक शर्त माननी होगी। चिराई को हम अपना कमरा से बाहर उसकी जगह में भेज देंगे और फिर इस कमरे में साथ ही साथ रहेंगे, है ना? अरे तू कहाँ जा रही है? रुक, सब अपना गुदरी फुदरी यहाँ से ले जाओ, हम ये सब नहीं रखेंगे अपना कमरा में। ये सब बाद में सत्यानाश कर लीजिए, आपके बाबूजी नीचे आप लोगों से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो। और सुनो, हमारे आने तक ये सब सामान यहाँ से निकाल देना। हाँ, जब हम आए तो ये सब हम यहाँ नहीं देखना चाहते। चले, छोट की दुल्हन माफी चाहते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि अच्छा होगा कि आप कर रहते रहते सामान निकलवाइए। बड़ बुजुर्ग कहते हैं ना कि नौकर चाकर को अपन कमरे में कभी नहीं अकेला छोड़ना चाहिए। अब कौन जाने अपन सामान के साथ साथ दूसर का सामान भी ले जाए। देखो ऐसी बात तुम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ई हमारे साथ आ जाएगी जब हम आएंगे। अभी तो आप चलो, पापा हमारा इंतजार करें। अरे चलो ना। अब यहाँ खड़ा होके सत्यानाश हमरे ऊपर आंख मत फाड़, नहीं तो फोड़ देंगे। जा, नीचे जा, जा। मामा लोग सबका सेवा कर। अरे जमाई बाबू, भगवान कसम सब अच्छा हो जाएगा। अनु, ये सब प्यार का तोहफा है। अरे ये सब इतना ना तो नहीं कह सकते ना, अब हम दे रहे हैं तो है नु, हमारी भूल चूक को माफी दीजिएगा। बस हमारी बिटिया है आपके पास और इसलिए हमारा तो हाथ भी जुड़ा रहेगा और सर भी झुका रहेगा आपके सामने हर समय। बस यही चाहते हैं कि हमार मुनिया अच्छे से रहे। जमाई बाबू, जब हम आए और मुनिया की जो हालत देखी, हो सकता है उसी की गलती हो। वो कहा है कि हमार मुनिया तनिक चंचल है, लेकिन आप तो विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, जरूरत पड़े तो दीजिए गवाही के। भगवान कसम डरा गई,
अरे जमाई बाबू इतना जोर से नहीं मारेंगे, बस हमार मुनिया का ख्याल रखिएगा। अब हम चलते हैं। लोहा सिंह जी, रत्ना बिटिया को हमारा आशीर्वाद दीजिए। अब क्या बताएं, आपकी बिटिया को अपने आंगन ले जाए खातिर हम कितने इच्छुक हैं। भगवान कसम, ओकरे कुंडली का सब ग्रह दोष खत्म। अच्छा अब हम निकलेंगे। इतना जल्दी काहे जाइएगा, कुछ जल जल पान किए बगैर। अरे ना 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 ना, हम लड़की के घर का पानी तक नहीं पीते। चल जा। सुन, तू हमारी चप्पल दे दे। खड़ी का है जा ले क्या जा। तो तू ही और ख्याल का वही है। अरे लोहा सिंह जी हमसे बोले होते, एकदम फर्स्ट क्लास का दासी भेज दिया होता। भगवान कसम जो अब तक अपना काम खत्म करके जा भी चुकी होती। ए लड़की, तू काय लिए इतना नखरा कर रही है री? तू काय नहीं खत्म करती ये सब झमेला? हमरी समस्या आपको ऐसे बात करने की कोनो जरूरत नहीं है। जमाई बाबू आप सही कह रहे हैं, हमका का जरूरत है इसको बोलने की। ये सब बात तो आप इसको बोलते ही होंगे। अच्छा हम निकलते हैं। अनास के दाम पे नजर रखिएगा, बढ़िया सौदा करा देंगे, है नू? वैसे आपन नफा नुकसान इंसान को खुद ही सोचना चाहिए। तोहार नजराना रख ले।
जरूरी चीज बोल गया बंदा, है नू करके। नौकी दुल्हन, ये दुनिया एक ठो बड़का बाजार है, केवल सौदा की बोली समझते हैं हम लोग। सारा रिश्ता भी स्वार्थ की बुनियाद पे खड़ा है। यहाँ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ सेवा भावना से जुड़ते हैं किसी से, है नू? अब चलो अपना कमरा में चलते हैं, खड़े खड़े बहुत ही थक गए हैं। और सुनो, तुम अपना सामान हमारे कमरे से ले जाओ, हम अपना कमरा में सिर्फ अपना सामान के साथ सोना चाहते हैं। चले चलो, हम थक गए हैं, चलो। पैसा छोड़ रही है का, या फिर सोच रही कि कौन नौकर आके तुम्हारे हाथ में थमा दे? हमको नहीं चाहिए, जी बहुत छटपट आ रहा है ना, ओकरे लिए उठा ले। ऐसा एतबार जैसे कहीं की महारानी हो, नहीं चाहिए। हमका तो चाहिए, ठाई देती जी। क्या कर रही उसे देश रही, रुको। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे कमरा में इतना गंदा गंदा चीज होगा। हे भगवान, अरे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? अपनी चीजें उठा और जा यहाँ से। हाँ, हमारे कमरे से। हमको रात को ये कमरे में नींद नहीं आएगी, सब चीज देख के ऐसा लगेगा कि हम वो कोठरिया में वापस चले गए। हे राम, पूरा कमरा दासी पासी की चीज से भरा हुआ। छी, भगवान ये का है? ये सब गंदगी भर के रखे हो कमरे के अंदर। अरे कौन, इतनी अकल भी नहीं है कि कौन चीज कहाँ रखी जाती है? हटाओ इसको भी। अच्छा चलो शांति से, ऐसा क्या कर रही जैसे परले आ गए हो? इका छुटकी दुल्हन, ये सब सवेरे कर लेना, अभी इतना झमेला करने की क्या जरूरत है? हाँ, अभी इतना झमेला करने की क्या जरूरत है, तो और क्या करें? दूसरे लोगों की तरह अपने कपार पर कूड़ा करकट बैठा ले। हाँ, सवेरे भी तो हो सकता। अरे सुबह का है, अगर इसका सामान यहाँ रहेगा तो हमारा सामान कहाँ जाएगा? और वैसे भी उतना देर में अगर छू छुआ गया तो छी छी छी, पता नहीं कैसे रहते ये लोग, जानवर का जैसा। हाय राम, हमारा कपड़ा कहाँ चला गया? हमारा इतना महंगा महंगा कीमती कपड़ा चुरा लिया का? सिद्धेश्वरी के उन निशानों को खत्म कर रहे हैं जो हमारे दिल में आदत बनकर बस चुके हैं। बोलो जी, कहाँ है हमारा कपड़ा? हम जानते हैं, तुम ही ले हो ना। अरे बोलो कहाँ है? बेच दिया का? अरे मर गए हर राम, हमारे महंगे महंगे कपड़े, और बोलती का नहीं का किया। बोलती का नहीं रही तू सत्यानाश। चुप्पे चाप बता दे, नहीं तो मारेंगे थप्पड़ एक। हाँ, वो कुछ नहीं लिए, हम लिए।
हम बताते ना कहो तुमने सब सामान का छोटे दुल्हन वो काहे के छोटे ठाकुर तो सब सामान हमको हटाने के लिए कहे थे काहे कि नया नया सामान लाने वाले थे ना आपके लिए छोटे ठाकुर चाहते थे कि आप जब वो बाहर वाले कोठरी से अपना कमरा में आए ना तो अपना सब दुख तकलीफ भुला जाए इसलिए नया नया सामान देने वाले थे आपको समय नहीं मिला इसलिए अभी तक नहीं ला पाए लेकिन जल्दी ही लाएंगे कह रहे थे हमसे सच्ची काजी आप सब नया सामान लेने वाले थे हमरे लिए तब तो ठीक है अरे पहले काहे नहीं बोली थी हाँ ठीक है अपना सामान लेके जाओ हाँ सुनो ये काहे ले छोड़ दिया लेकर जाओ इसे भी का तकलीफ का है अगर ये बेदी यहाँ रह गई तो अरे अभी नीच जात की बनाई हुई बेदी अपना कमरा में रखे अरे काहे फिर रोज ये बहाना करके हमारे कमरा में आएगी और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो अच्छा यही होगा कि इसे ले जाए सिद्धेश्वरी तो ठीक है तो कह रही है छोटकी दुल्हन हमारी बेदी है तो हमारे साथ ही ना जाएगी ले जाते हैं का घर तब इंसान का दिल ना होता है छोटे ठाकुर पूजा का बेदी तो खाली एक बहाना है पूजा करने का इसके हटने नहीं हटने से क्या फर्क पड़ता है दिल में बसे छवि को तो नहीं हटा सकते ना लाली हम तुमको रहने के लिए एक अलग सा कमरा दे देंगे तुम चिंता मत करो कोई बात नहीं बैठक रहे हम तो कहीं भी रह लेंगे कबाड़ घर में भी रहने में कोई दिक्कत नहीं ठहरो मैं क्यों को बुलाती उसको नीचे लेकर बैठक रहे हम अपने से लेते जाएंगे अरे सत्यानासी ठान लिया कि सारी रात पिरेतनी की तरह यहाँ खड़ी रहेगी या तो ये सोच रही होगी कि कैसे फिर से कमरा के भीतरिया में घुस जाए है? लेकिन एक बात जान ले झूठ मूठ का सपना देखना बंद कर कि तू जादू टोना अब सब जादू मंत्र का असर इतना जल्दी खत्म नहीं होता है कई बार ये असर बाद में समझ में आता है समझे ए सत्यानाशी आखिर दिखाई ए ले ललिया टाटा